गंगा जमुना में पिछले कई महीनों से पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती बरतने से सेक्स वर्कर महिलाओं पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। दिन ब दिन यहाँ की महिलाएं तिल तिल मर रही है। आज भी सैकड़ों सेक्स वर्कर महिलाओं के परिवार रात को भूखे सोते हैं। पुलिस की ज्यादती से सेक्स वर्कर महिलाओं का जीना दुश्वार हुआ है। बीसी न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आलोक मिश्रा, इन्होंने गंगा जमुना बस्ती में जाकर वहाँ की वारांगनाओं से बातचीत की। आइए देखते हैं। एक मिनट सर, स्टार्ट। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये हुआ था, मैं बाहर खड़ी थी, ये रूम के अंदर थी और पुलिस वाले आए क्राइम ब्रांच के। एक दो स्टार वाली PI थी, मुझे मारा अंदर में रूम के अंदर, और ये अंदर में थी तो उन्होंने फंटर बना के भेज दिया पहले ही, और अंदर से कुंडी लगा दी फंटर ने के बचाव करके। यहाँ सिविल एरिया तो है नहीं, ये तो गंगा जमुना है, गंगा जमुना में तो कोई भी लोग घुसते ही है। फिर उसके बाद में हम दोनों को मारा पीटा, बोले पैसे का है निकालो करके, मेरे बाल पकड़े और मुझे मारा गया, उसको भी मारा गया। हम दोनों को कपड़े निकाल के निकेट करा, ओपन करा उन्होंने, और ये तो गंदी हो रही थी, उसको पूरा नंगा करा, मुझे भी नंगा किया और बोले पैसे बताओ पैसे करके। क्राइम ब्रांच की दो लेडीज़। तो आपने कुछ लूट की थी क्या उनके नहीं, साथ नहीं, में? लूट नहीं करी थी उन्होंने, तो हमारे घर के पैसे भी लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लूट होती है यहाँ पे, ऐसा सुनने में आया है? नहीं, गलत वफाई है। हाँ, तो लोग आते हैं तो जो सीधे साधे लोग जो पहली बार आते हैं उनको लूट लिया जाता है? नहीं नहीं, गलत है। अगर कोई लूटेगा तो वो पुलिस वालों के पास में नहीं जाएगा क्या? वो क्या दूसरी तो बच्चा है क्या? अभी किसी के साथ में क्राइम होता है तो क्या वो बयान उसके लिए नहीं जाता है क्या पुलिस स्टेशन में, क्या मेरे साथ में ये हुआ है, मेरे साथ में वो हुआ है? जैसे अभी बाहर NGO सर, माइक लो ना सर, अभी बाहर NGO वाले बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आपको इस धंधे में से निकल जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आपका क्या बोलना है इसमें? कैसे निकल जाएंगे जब यहाँ पे हम लोग पूरे स्टार्टिंग से आए हैं, हमारे जो जितने भी लोग हैं सब पहले से ही आए गए हैं यहाँ पे, तो कैसे चले जाएंगे? अभी हमारी ज़िंदगी खराब हो चुकी है। नहीं, लेकिन अगर आपको अगर कोई अच्छा काम किया जाता है कि आप एक काम करो, ये कार्य मत करो, दूसरा कार्य करो, कुछ ऐसा कुछ और काम दिया जाता है, तो क्यों नहीं करना चाहते? नहीं तो वो वहाँ पे भी अगर वहाँ जाएंगे तो वो तरीके से ही लोग देखते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना, अभी लोग काम वाली बाई के साथ में भी लोग वही करते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी वो तरीके से नहीं देखेंगे करके। नहीं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी वो दिखाई नहीं जाएगी ना, ये आप जाओगे आपको बताया जाएगा, यहाँ जैसे आप नागपुर में, नागपुर से आपको बुलढाना या कोई और जगह पे काम दिया जाता है कि देखो आप ये काम करो, ये मेहनत का काम करो, और आपको ये बताया नहीं जाएगा कि आप यहाँ पहले काम करते थे, फिर आपको क्या दिक्कत है? नहीं, हमको यही काम करना है, हमको हमारी जो ज़िंदगी गई है हम वही करेंगे, हाँ हमारे बच्चों की राह सवाल। तो आपको आपको ये लगता है कि अच्छा काम है? ये अच्छा ही काम है ना, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, वो लोग यहाँ पे आते हैं हमारे तरफ, हमने कितनी लड़कियाँ पकड़वाई, हमारे पास में आते हैं तो हमने कितनी पुलिस स्टेशन में दी है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई तो क्या हमारे को कोई तो आपको अच्छा लगा आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई तो? हाँ, क्यों नहीं हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई तो हमारे साथ में कोई बच्चे थोड़ी ना हमारे वाले आ रहे हैं, हमारे बच्चों को हम पढ़ा लिखा रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना क्या उसको भी हम इसी फील्ड में हम आ गए तो बच्चों को भी थोड़ी ना आने वाले। रजिस्ट्री है आखिरी पत्रिका 2015 में जब केस डाला था हमने, तो हमने कम से कम 80-90 आखिरी पत्रिका लगाई थी केस में, तो हमको कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनको यहाँ से कोई नहीं भगा सकता, ये इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो ये मैंने ये भी कहा अगर आपको ऐसा लगता है तो कॉर्पोरेशन में जाकर डिटेल निकालो, किसके मकान घर के है, किसके नहीं है, किसकी नजूल की जगह में, जो नजूल की जगह में मकान है उसको तोड़ा जाए, हम भी साथ देंगे ना आपका, लेकिन नजूल की जगह में यहाँ किसी का मकान नहीं है, सबके खुद के घर के मकान है, जो पीछे साहब से किसी ने भी गलत इम्प्रेशन दिए कि नजूल की जगह में। मेरे से यह भी पूछा गया था कि आपका सेंशन है क्या मकान का, तो मैंने बोला हाँ मेरा सेंशन है, बिगर सेंशन तो मकान का कहीं बन नहीं सकता, कौन बनाएगा, सरकार आके तोड़ेगी ना, नजर की जगह में होगी जिसके घर तोड़े जाए, जिसकी नजर की जगह में नहीं है उसके घर कैसे तोड़े जाए। मुझे ये बताइए कि लोकल यहाँ पे लोगों का आरोप है कि भाई हमारे बच्चे हैं, ये है, उनके ऊपर गलत हो जा रहा है, उसके लिए आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ बच्ची के लोगों को, 2.5-3 साल जब ये बाजार खुला हुआ था क्या बच्ची जब पास हो गई थी, जब नहीं दिखा उनको तो ये बंद कराया जाए, कमाई भी नहीं होगी तो भी यही मरेंगे, मरेंगे प्रशासन उठा के ले जाएगी, जागरूकती करेगी हमारी, इससे आगे क्या होगा?
यही हो सकता है ना। अब देखो एक नागपुर में तो बाजार नहीं है, एक नागपुरी तो बदनाम नहीं है, बड़ी बड़ी दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, पूना है, छोटे छोटे अपने नागपुर सिटी में कितने बाजार है, कैसे नहीं है, कोई नागपुर में तो नहीं है। ये बस्ती के लोग इधर ही आते थे और इधर ही बदनामी करते। कल घर का आरोप लगाया कि कल घर है, तो हमने तो ये लिख के दिया ना शपथ पत्र में कि अगर ऐसा हो तो हमको बताओ, हम दिखाएंगे, हम जांच करवाएंगे, मशीन लेके आओ, घर घर में जाते। ऐसा कोई तलघर नहीं? नहीं, कोई तलघर नहीं है। देखो सर ये सब यहाँ यहाँ पे कितने लोग जुड़े होंगे, कितने महिलाएं यहाँ पे, महिला होएगी कम से कम 2000-1500 और बाकी के उनके परिवार मिला के ज्यादा लोग होंगे। पूरा परिवार मिला के कितना, 5000? हाँ इतना होगा, 4-5000। 4-5000 कई सालों से रहते हैं यहाँ पे, जब किसी को तकलीफ नहीं। अब यूपी कोई हमारे बारे में कंप्लीट किसी आपको आपको प्रशासन अगर ये बोलता है कि ठीक है आपका ये जो है आप जो भी आपका काम है वो आप दूसरी जगह करिए, तैयार होंगे? नहीं, हम दूसरी जगह कहाँ जाएंगे, हमारा तो सब यही, अब कहाँ जाएंगे, हम घर मकान को थोड़ी बेचेंगे, हमारे कहाँ जा सकते सर आप बताइए। एक बार आपको आपको क्या लगता है अचानक क्या कार्रवाई क्यों हुई, इसके पीछे कोई राजकीय कुछ षड्यंत्र लगता है आपको, कोई राजनेता है या कुछ और कोई चीज बनाना चाहते हैं? ये हमको कोई पता नहीं, हम क्या जाने, छोटे आदमी हमारी कौन सुनता है। आपको सुनने की बात करूँ, कुछ तो होता होगा ना कि अचानक ऐसा क्या क्या हमारे बड़े बड़े लोगों से तो संबंध नहीं है, छोटे लोगों से संबंध, हम बड़े लोगों से कहाँ से संबंध कर पाएंगे, हमारी कौन गरीब आदमी है। कुछ मिले, सबसे मिले, एक तो जगह एक मेरी बेटी भी गई थी परेशान करने, नितिन राउत के यहाँ भी गए थे हम, और भी क्या गए थे, और क्या भी चाहिए, और यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है सांसद भी है उनके यहाँ पे गए, वो तो हमारे खिलाफ ही है यहाँ के सांसद को। हमारा सांसद लोगों से ये कहना है आपको हमसे तकलीफ है तो हमको दिखाते हैं, कुछ हल निकल सकता है, दोनों पार्टी ये बैठे हुए इतना बड़ा मुद्दा क्यों इसके पहले आपको वार्निंग दी गई थी कि आप लोग खाली करो कि अचानक आ गए क्या? नहीं नहीं कोई वार्निंग नहीं, कोई बोल क्या कभी किसी को पकड़ा है क्या कि हमने ये गलत धंधा करवाया लड़कियों, जो केस लगते हैं जो कोर्ट में ही जाता है ना, कोर्ट तो छोड़ते तो कोर्ट भी तो छोड़ता है, लड़की का बयान लेता है, लड़की से पूछताछ करता है, सब करता है, किधर जाना चाहती है किधर नहीं जाना चाहती है, अगर वो जाना नहीं चाहती तो कोर्ट भी उनको शादी करवा कर दे सकता है, बाल सुधा घर में रख सकता है। तो आपका ये बोलना है कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, नाबालिग बच्चियों को नहीं लाया जाता है, नहीं लाया जाता, देह विक्रय के लिए उनको जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। लेकिन प्रशासन का बोलना है कि हमारे पास में ऐसी कई केसेज आए हैं, तो प्रशासन प्रूफ करके बताए ना, प्रशासन अगर ऐसा हुआ है किसी के साथ तो प्रूफ करके बताए ना। अच्छा अब ये बताइए, देखो आप अपनी जगह अड़े हुए हैं, प्रशासन अपनी जगह, मार्ग क्या निकलेगा, मार्ग क्या निकलेगा, हमारे घरों में से तो कोई भगा नहीं सकता है, प्रशासन ने जो हमारे ऊपर कार्रवाई करी है, डग्गा लगा रखा है, पुलिस लगा रखी है, वही तकलीफ है, कई औरतें ऐसी यहाँ पे माँ बहने तो भूखे मर रही है, उनको खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, किसी के लिए नहीं है, उनका रोज का कमाना रोज का खाना। तो आपका अब ये तो चलता है, अब इतने दिन से चल रहा है, ठीक है, जो भी कुछ जो थोड़ा बहुत उन लोगों ने कमाया होगा उससे किसी को तकलीफ नहीं थी, तकलीफ होती तो बीच में भी होना चाहिए ना। आपका 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 क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि हमारा बाजार जैसा था वैसा रहना चाहिए, ये हमारा खानदानी धंधा है, हमारी पीढ़ी से आगते हुए चला आ रहा है ये धंधा, ये नहीं किसी को जबरदस्ती लाके धंधा करो। लेकिन ये ऐसे भी आरोप लगे हैं कि